हम बदलापुर महोत्सव में हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटी, काफ़ी बड़े बड़े कलाकार आए हैं और बीजेपी के जो यहाँ के विधायक हैं बदलापुर के, उन्हीं के द्वारा ये आयोजित किया गया है। और बीजेपी के जो अलग अलग प्रकार के जो योजनाएं हैं इस बदलापुर महोत्सव में, उसको प्रमोट करने का जो कार्य किया गया है, ये बीजेपी की तरफ से बहुत अच्छा कार्य है। और मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ, आज सबसे खुशी का दिन है क्योंकि आज बदलापुर का महोत्सव है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कलाकार आपको चल के दिखाता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। और ये बहुत बड़ा मेला है बदलापुर का, ये बहुत बड़ा मेला है। यहाँ पे हर साल मनाया जाता है बदलापुर महोत्सव, जो कि एक नंबर से दो नंबर के लिए होता है, चलिए मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। आज मैं आपको बता दूँ कि दिनेश लाल निरहुआ भी आए हैं, जो कि आजमगढ़ के सांसद हैं। चलिए अभी मैं उनको नज़दीक से आपको दिखाऊँगा। और काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार भोजपुरी के भी आए हैं और बॉलीवुड के भी आए हैं। चलिए मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। यहाँ बहुत धन्यवाद, ये हमारे मित्र हैं विमल सिंह बावरा जी। एक जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे बावरा जी के लिए। और जो ये कान्हा है, जब हम और विमल बावरा जी दोनों एक ही गांव के हम लोग, तो हम लोग जब गायकी सीख रहे थे, तूने पढ़ले हवा लिखले हवा, रोज नौकरी बदलत हवा, हम कहे देखा नहीं रहू तोहरे हमारे में बड़ा फर्क हो, हमारा गोड़वा से लेके मोड़वा तक खाली दिमाग का हो। हम मान गए लेन ए बेरी चुनाव में मान गए, नहीं बता था चाचा, हम कहे घबरा जी रिक्शा बैठा के तुम्हें ए बेरी सांसद बनावे का हो, हाँ बना दिया गई। मन के संवरिया, मन के संवरिया बन गईलू तू, अचुप के से का कैलू तू, नस नस में तू गईलू समा, नस नस में तू गईलू डाल देलू परेशानी में, गजब की रोग धरा दी हनू ए रानी, हमके जवानी में गजब के रोग धरा दी हनू ए रानी, हमके हर हर महादेव। आप लोगों के मोटका बतासा चाचा का हाथ जोड़ के बढ़ाऊं। हम तो भैया कोनो लायक रहनी ना, हाई स्कूल में 2 साल फेल भैनी, तू ही लोगन बतासा बना देहला ना, तो भाई सोई चलती गांव में। भैया इतना बड़ा आयोजन मैं आपका अखबार में देखता रहता था। और एक बार रवि किशन भाई हमसे बताए, अरे मनोज अपने गांव के बगल के हैं, तुम जानते नहीं हो क्या रमेश भैया को? मैंने कहा भैया मैं ये नहीं जानता कि अरसिया के हैं, लेकिन ये जानता हूं कि विधायक है वहां से, आप ही के होटल में ठहरा था लखनऊ जी। ये जो आप कार्य कर रहे हैं भैया, महोत्सव में बहुत जगह अटेंड किया, उत्तर प्रदेश और बिहार हर जगह बुलाया ही जाता हूँ, पर जो शांति का परिचय जनता ने यहां दिया है, ये मैं कहीं नहीं पाया। इतना डिसिप्लिन, ये मोहब्बत है इनका आपके प्रति, कार्यकर्ताओं की देन भी है और इसके अलावा जनता भी आपसे बड़ी मोहब्बत करती है। बताता है
बताता, कुछ नहीं मैम इनको देखे होंगे वही हैं, और देख सकते हैं कितना ज्यादा फैन फॉलोइंग बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए भाई साहब, ये देखिए कितने ज्यादा फैन फॉलोइंग है।